नमस्ते। आज करेंगे हम त्रिभुज बैलेंसिंग पोज। इस आसन को हर कोई कर सकता है और इस आसन के फायदे ही फायदे हैं, लेकिन इस आसन को अगर युवा और छोटे बच्चे करें तो बहुत फायदा देगा, क्योंकि इसमें वो पढ़ाई करते रहते हैं, उनका शरीर की हाइट बढ़ती रहती है, मसल्स हो गया डेवलप होते रहते हैं। तो अगर इस समय इस आसन को सुबह शाम वो करें तो उनका जो एक फोकस होता है वो अपना अच्छे से पढ़ पाएंगे और याद कर पाएंगे कोई भी चीज़, क्योंकि वो पहले ही इस आसन में प्रैक्टिकली वो कर लेते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग, उनका जो बॉडी का, अगर वो अपने पूरे शरीर को खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो दिन बाय दिन आप एक महीने के अंदर इस आसन का रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस आसन करने से पहले आप पहले स्ट्रेचिंग कर लिया करें, बैकवर्ड फॉरवर्ड साइड एंड बेंडिंग ट्विस्टिंग। इस अगर आप चैनल पर नए हो तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, इसमें डला हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं। उस आसन को करें फिर इस आसन को करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे करते हैं इस आसन को। तो सबसे पहले मैट पे आ जाना है। स्ट्रेचिंग के बाद अपना लेफ्ट या राइट जो भी शुरुआत में आप अपने नी पे रख सकते हैं, ठीक है। और अपने हाथों को साइड में रख सकते हैं शुरुआत में आप ऐसे बैलेंस बनाने के लिए, और सामने एक पॉइंट पे देखना है। जब आप ये प्रैक्टिस करके आप जितना भी आप अपने हिसाब से ठीक हो जाए प्रैक्टिस, तो आप पैरों को ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। और हाथों को दोनों ऊपर नमस्ते कर सकते हैं और हाथों को खींच सकते हैं। आपका जो पीछे शोल्डर ब्लेड है मिलना चाहिए हाथों को एकदम कानों के साथ, स्ट्रेच, ना हाथ बाहर जाए ना आगे, कानों के साथ एकदम, और सामने एक पॉइंट बना के देखना है। और आपके जो पैरों का गैप नहीं देखना चाहिए बीच में थाई के, ऐसे साइड आप चेंज कर सकते हैं। आपका जो पैर है अब डॉक्टर पे आना चाहिए।